टीएमसी का धरना वर्सेस बीजेपी का प्रदर्शन, राष्ट्रपति शासन की सुबुगाहट वर्सेस ममता की चिट्ठी वाली चाल, सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन 18 दिन का नॉनस्टॉप एक्शन, कोलकाता में ट्रेनी महिला डॉक्टर की रेप और हत्याकांड का मामला फिलहाल इन तीन बिंदुओं के इर्द गिर्द घूम रहा है। एक्शन दिल्ली से कोलकाता तक देखा जा रहा है। सबसे पहले बात सीबीआई के एक्शन की कर लेते हैं। कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर केस में हर दिन बड़े खुलासे हो रहे हैं। सीबीआई फिलहाल इस मामले की जांच कर रही है। आरोपी, गवाह, तमाम लोग समेत कुल 47 किरदार है। सीबीआई जो फिलहाल इस मामले की जांच कर रही है वो जल्दबाजी कर किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहती, लेकिन बताया जाता है कि अगले कुछ घंटे में सीबीआई इस मामले में कोई बड़ी कार्रवाई कर सकती है। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने इस केस की जांच 18 दिन पहले शुरू की थी, लेकिन 18 दिन के बाद भी कई सवालों के जवाब मिलने बाकी है। सबसे बड़ा सवाल है कि लेडी ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप हुआ था या गैंग रेप? वारदात में कुल कितने लोग शामिल थे? क्यों इस पूरे मामले पर पर्दा डालने की कोशिश की गई? ऐसे कई सवालों के जवाब अब तक नहीं मिल पाए हैं। अभी तक की जांच में यही सामने आया है कि इस वारदात को संजय रॉय ने अकेले अंजाम दिया है, क्योंकि अभी तक मिले सारे सबूत उसके ही खिलाफ हैं। संजय के अलावा कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष भी सीबीआई के रडार पर हैं। संदीप घोष से सीबीआई लगातार 14 दिन से पूछताछ कर रही है। अभी तक उससे 140 घंटे से भी ज्यादा समय तक पूछताछ की जा चुकी है। संदीप घोष के खिलाफ करप्शन का केस भी दर्ज किया गया है। कोलकाता के रेप और मर्डर केस में अभी तक सीबीआई ने 10 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट कर चुका है, यानी 20% लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट हो चुका है। पूछताछ के दौरान जिस पर भी शक हो रहा है उसी का पॉलीग्राफ टेस्ट करवाया जा रहा है। मुख्य आरोपी संजय राय ने पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान अपने जुर्म को कबूल किया और कहा कि रेप के बाद उसी ने जूनियर डॉक्टर का मर्डर भी किया था। ये भी बताया गया है कि घटना को अंजाम देने से पहले वो एक रेड लाइट एरिया में गया था और लौटते वक्त एक महिला के साथ छेड़छाड़ भी की थी और अपने गर्लफ्रेंड से न्यूड तस्वीरें भी मंगवाई थी। सीबीआई ने अभी तक जिन 10 लोगों का पॉलीग्राफी टेस्ट कराया है उनमें आरोपी संजय रॉय, आरजीकर कॉलेज का पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष, एएसआई अरूप दत्ता, 4 ट्रेनी डॉक्टर, 1 सिविल वॉलंटियर और अस्पताल के 2 सिक्योरिटी गार्ड शामिल हैं। 25 अगस्त को मुख्य आरोपी संजय रॉय का पॉलीग्राफी टेस्ट कराया गया था, जबकि 26 अगस्त को पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का पॉलीग्राफी टेस्ट कराया गया। खबरों के मुताबिक संदीप घोष का अभी तक 2 बार पॉलीग्राफी टेस्ट हो चुका है। इसमें घोष ने सीबीआई को कौन सी बातें बताई अभी तक इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। इस बीच सीबीआई के हाथ ऑडियो की शक्ल में वो सबूत हाथ लग गया है जिसमें कम से कम ये साफ हो रहा है कि इस मामले में अस्पताल प्रशासन ने पहले गुमराह करने की कोशिश की, फिर उसे दबाने की कोशिश की गई, साक्ष्यों को छुपाने की भी कोशिश की गई। सीबीआई को डर है कि पोस्टमार्टम के दौरान किसी तरीके की छेड़छाड़ हुई हो। सीबीआई को शक ये भी है कि इस अस्पताल में मानव अंगों की तस्करी हो रही थी और शायद इसी की भनक जो है वो लेडी डॉक्टर को पड़ गई थी और उसे रास्ते से हटाने के लिए सुनियोजित तरीके से उसकी हत्या कर दी गई। इस बीच मामले में 2 ऑडियो क्लिप के रूप में एक बड़ा सबूत सामने आया है जो ये साफ साफ बयां करता है कि लेडी डॉक्टर के रेप और मर्डर पर उनके माता पिता को गुमराह करने की कोशिश की गई। 9 अगस्त के दिन आरजीकर अस्पताल की तरफ से पीड़ित के माता पिता को कॉल किए गए थे। सुनिए उस वक्त अस्पताल की असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ने उसके माता पिता से क्या कहा। हेलो हेलो, हाँ बोलून। আপনি একটু তাড়াতাড়ি চলে আসুন।
আপনি কে বলছেন বলুন তো? আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার বলছি, আমি ডাক্তার বলছি না। ডাক্তার নেই হবে কেউ? আমি সুপারিনটেন্ডেন্ট কথা বলছি। হ্যালো, হ্যাঁ ঠিক আছে। হ্যাঁ আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারিনটেন্ডেন্ট কথা বলছি। আপনার মেয়েকে আমরা এমার্জেন্সিতে নিয়ে এসেছি, আপনারা আসুন, এসে যোগাযোগ করুন। ও কি হয়েছিল কি? ও তো ডিউটিতে ছিল। আপনারা জলদি চলে আসুন যতটা তাড়াতাড়ি পারবেন। अस्पताल की तरफ से की गई पहली कॉल में माता पिता को बताया गया कि उनकी बेटी बीमार है, जल्दी आ जाइए। रिकॉर्ड से ये बात तो समझ में आती है कि माँ बाप को उनके बेटी की मृत्यु के बारे में इसलिए नहीं बताया गया ताकि उन्हें शौक ना लगे और ये बताया जाए कि वो बीमार है। लेकिन सवाल यहाँ पर नियत का है, क्योंकि पहले तो उन्हें बताया गया था कि उनकी बेटी बीमार है और दूसरे ही कॉल में उन्हें ये बताया गया कि उनकी बेटी ने सुइसाइड कर लिया। क्या किस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही थी ताकि उन्हें गुमराह किया जाए और किसी को बचाया जा सके? आप सोचिए उस माता पिता पर क्या बीती होगी। वो बार बार यही सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हो गया कि उनकी बेटी ने अपनी जान दे दी। अब सुनिए दूसरी और तीसरी कॉल में अस्पताल की तरफ से क्या कुछ कहा गया। হ্যালো, হ্যাঁ অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার বলছি। হ্যাঁ হ্যাঁ শুনুন, আপনাকে তখন বারবার বলছিলাম, ব্যাপারটা হচ্ছে যে আপনার উনি সুসাইড করেছেন হয়তো বা কিছু মারা গেছেন। পুলিশ রয়েছে, আমরা হসপিটালে সবার সামনেই রয়েছি, ফোন করছি, আপনারা যদি তাড়াতাড়ি পারবেন চলে আসুন। আমরা আসছি আসছি এক্ষুনি আসছি। হ্যাঁ হ্যালো, হ্যাঁ বলুন। আমি আইসি আজিকর বলছিলাম। আচ্ছা আপনারা আসছেন তো? হ্যাঁ একদম আসছি। কেমন আছে শরীর? আপনারা আসুন, আসলে কথা হবে, আসুন আজিকর হসপিটালে আসুন, আমাদের এই চেস্ট ডিপার্টমেন্টে এইচওডি স্যারের কাছে আসুন। हालांकि इस ऑडियो क्लिप पर टीएमसी ने सवाल उठा दिए हैं। ऑडियो क्लिप कितनी सही है या नहीं है इसका पता तो सीबीआई लगा लेगी, लेकिन जो पीड़ित के माता पिता कह रहे हैं उसे नहीं झुठलाया जा सकता, क्योंकि पीड़ित माता पिता ने साफ कहा कि उन्हें शुरू से ही अस्पताल प्रशासन पर यकीन नहीं था। इतना ही नहीं, अस्पताल की तरफ से उन्हें बहुत देर से जानकारी दी गई। कोलकाता में अपनी डॉक्टर बेटी के इंसाफ का इंतजार उसके माँ बाप को है, तो दूसरी तरफ इंसाफ दिलाने को लेकर कोलकाता टू दिल्ली सियासी घमासान भी मचा है। बीजेपी की महिला विंग जहां कोलकाता में सड़कों पर उतरी, महिला आयोग के दफ्तर का घेराव करके जबरदस्त प्रदर्शन किया, तो वहीं टीएमसी छात्र संघ के समर्थक राज्य के सभी कॉलेजों में प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब बंगाल बीजेपी की महिला मोर्चा ने महिला आयोग तालाबंद अभियान के तहत राज्य महिला आयोग के ऑफिस तक मार्च निकाला, महिला मोर्चा आयोग के ऑफिस का घेराव किया। बारिश की बूंदों के बीच किए गए इस प्रदर्शन में कई जगह बीजेपी के महिला ब्रिगेड की ममता के पुलिस से हाथापाई हुई। हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं, ये करुणामयी और उस कमीशन के सामने की तस्वीर है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पुलिस से जो एक बड़ा कॉर्डन लगाया है, सुरक्षा घेरा लगा दिया है और उन्हें आगे जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। साथ ही यहाँ पर बैरिकेड भी लगाए गए हैं, बड़ी संख्या में महिला पुलिस कर्मी को जो है तैनात किया गया है ताकि जो महिला मोर्चा के कार्यकर्ता है यहाँ पर उनको रोका जा सके। उनके तरफ से कहा जा रहा है कि उनको आगे जाने की अनुमति नहीं है, ऐसे में उनको यहीं पर उस दफ्तर के सामने जो है रोक दिया गया है। लगातार नारेबाजी की जा रही है और पुलिस से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं अग्निमित्रा पॉल और लोकेट चैटर्जी, और कह रहे हैं कि उन्हें जो है उस जो विमेन कमीशन का दफ्तर है वहां तक जाना है। इस दौरान पुलिस ने एक रैली को आगे बढ़ने से रोक दिया, साथ ही लॉकेट चटर्जी समेत बीजेपी की 20 महिला कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। हालांकि भारी हंगामे के बाद कोलकाता पुलिस ने 5 सदस्यीय बीजेपी महिला प्रतिनिधि मंडल को राज्य महिला आयोग के दफ्तर में एंट्री की इजाजत दे दी। उधर टीएमसी भी इस मुद्दे पर लगातार प्रदर्शन कर रही है। ममता की पार्टी केंद्र से आरोपियों के लिए मृत्यु दंड का कानून पारित करने की मांग कर रही है। टीएमसी ने 31 अगस्त को राज्य के सभी ब्लॉक में धरना देने का ऐलान भी किया है। 16 दिनों का यही तो बात है, जो इंसिडेंट हुआ था विद इन 24 आवर्स कलकत्ता पुलिस ने एक्यूज्ड को अरेस्ट कर लिया, उसके बाद तो चला गया सीबीआई के पास, तो अभी 16 डेज हो गया है। सीबीआई क्या कर रहा है, क्या कर रहा है सीबीआई? ये
वो लोग तो ये जो विलंब कर रहा है वो तो मौका दे रहा है भाजपा को यहाँ पर एनआरकी तैयार करने के लिए मौका दे रहा है। कुल मिलाकर कहें तो बंगाल में बड़ी विचित्र स्थिति है, प्रदर्शनों की होड़ मची है। 31 को टीएमसी का धरना है तो 2 सितंबर से पश्चिम बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट की तरफ से लाल बाजार तक का मार्च बुलाया गया है। यहाँ पर स्थिति कोलकाता पुलिस के हेडक्वार्टर तक राज्य के तमाम डॉक्टर्स मार्च निकालेंगे और कोलकाता पुलिस कमिश्नर के इस्तीफे की भी मांग करेंगे। हम लोग 2 सितंबर डिसाइड किया है लाल बाजार जाएंगे, क्योंकि हम लोगों का जो डिमांड है सीपी का रेजिग्नेशन, उसके हिसाब से वो तो अभी तक नहीं हुआ, इसलिए हम लोग लाल बाजार अभियान ये करेंगे 2 सितंबर। और सीज वॉर जैसे चल रहा था वैसे ही चलेगा, हम लोग एक पेन डाउन के प्लान कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया। विरोध प्रदर्शनों के बीच दिल्ली से आई ये वो तस्वीर है जो सबसे ज्यादा चर्चा में रही। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हफ्ते में दूसरी बार गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक राज्यपाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर आरजी कर मामले समेत राज्य में अराजकता के ताजा हालात पर चर्चा की। पिछले हफ्ते भी राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मिलकर आरजी कर अस्पताल की घटना और इसके बाद की स्थिति के बारे में उन्हें जानकारी दी थी। अब इस मुलाकात के बाद अटकलों ने जोर पकड़ लिया है कि क्या पश्चिम बंगाल में प्रेसिडेंट रूल लगेगा, जिसके बारे में ममता दीदी पहले ही अंदेशा जता चुकी हैं। ये सुकांत मजुमदार जिस राज्यपाल से मिलने गए थे उसके खिलाफ राजभवन में क्राइम अगेंस्ट वुमेन एलिगेशन है और वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन लेके बैठे हुए हैं। पहले तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन छोड़ दीजिए और न्याय विचार के लिए वो इन्वेस्टिगेशन फेस उनको करना चाहिए। तो सुकांत मजुमदार जिसके पास जा रहा है उसके खिलाफ ही तो एलिगेशन है। पश्चिम बंगाल में चल रहे शह और मात के खेल में ममता बनर्जी भी बड़ी चालाकी से अपनी चाल चल रही हैं। आप देख रहे हैं पीएम मोदी को लिखी ममता बनर्जी की वो दूसरी चिट्ठी, जिसमें उन्होंने फिर से गेंद को बीजेपी के पाले में डालने की कोशिश की। अपनी इस चिट्ठी में ममता बनर्जी ने मोदी से रेप को लेकर अधिक सख्त कानून बनाने की मांग की है। पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी में ममता ने लिखा कि आपको 22 अगस्त को लिखा मेरा पत्र याद होगा, जिसमें लगातार बढ़ रही रेप की घटनाओं को लेकर सख्त कानून बनाने की जरूरत पर जोर दिया गया था, लेकिन इस संवेदनशील मुद्दे पर आपकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला। हालांकि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से एक जवाब जरूर मिला, लेकिन मामले की गंभीरता के मद्देनजर ये नाकाफी है। ममता ने लिखा है कि इस मामले की गंभीरता की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। ममता की चिट्ठी को अपनी कुर्सी बचाने की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि लेडी डॉक्टर के रेप और हत्याकांड पर ममता पूरी तरह से घिर चुकी हैं। सुश्री ममता बनर्जी को जिन बलात्कारियों को बचाने का उन्होंने प्रयास किया है, उस मामले में जब तक स्वयं ममता बनर्जी का लाई डिटेक्टर टेस्ट नहीं होता तब तक इस मामले की तह तक पहुंचा नहीं जा सकेगा। कल जो टेप आए हैं, ऑडियो टेप्स, जिसमें बलात्कार पीड़िता के परिजनों को अस्पताल के एक अधिकारी द्वारा किए गए फोन में किस तरह से झूठ बोला गया, वो सिद्ध हुआ है। कुल मिलाकर कहें तो पश्चिम बंगाल में हुई घिनौनी घटना पर एक तरफ ब्लेम गेम का सियासी खेल चल रहा है तो दूसरी तरफ धरना प्रदर्शनों का दौर। ऐसे में सबकी नजरें सीबीआई पर हैं, क्योंकि लोग इस केस के सस्पेंस का पूरी तरह से पटाक्षेप चाहते हैं, वो भी जल्द से जल्द। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।